हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बेल्ट्रॉन डीओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के यहां पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बेल्ट्रॉन की तरफ से कि बिना बेल्ट्रॉन के बहाल किए हुए 700 ऑपरेटर जो है बहाल हो गए हैं और वो बिहार राज्य के अंतर्गत सभी विभागों में काम भी कर रहे हैं, जिसकी जाँच शुरू हो गई है। बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है जो कि बिना परीक्षा कैसे हुई बहाली। लेटेस्ट अपडेट आज का मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक पूरा देखिए कि क्या है बेल्ट्रॉन में बहाली का मामला, जो कि बिना बहाली के 700 ऑपरेटर कैसे बहाल हो गए। जिसके रिगार्डिंग में मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बेल्ट्रॉन में जो है सेटिंग चलता है, वहां बिना पैसे के काम नहीं होता है, कैसे होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मामला यहाँ सामने आया है, तो क्या है पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा अपडेट जो कि आज के पेपर में आया हुआ है, बेल्ट्रॉन में बहाल हो गए 700 ऑपरेटर जिसकी जांच शुरू। सरकारी विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल होने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर समेत अन्य तकनीकी कर्मियों में बड़ी संख्या ऐसे हैं कर्मियों की हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी यहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और भी जो पद हैं बेल्ट्रॉन में, उसकी जगह में यहाँ पर बहाली हो गई है और बेल्ट्रॉन के पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और बेल्ट्रॉन ने जब पहली बार अपने कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने की पहल की तो पता चला कि विभिन्न सरकारी महकमों और जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे करीब 700 डेटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके बारे में उसे कोई सटीक जानकारी नहीं है, या कहें कि इनकी बहाली गलत तरीके से हो गई है। जाँच पूरी होने के बाद इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है और इनकी बहाली कब, कैसे और किसने की, इसका पता करने में बेल्ट्रॉन जुटा हुआ है। बेल्ट्रॉन बहाली के पहले टेस्ट या इंटरव्यू लेता है और इसके बाद चयनित हुए इन तकनीकी मैन पावर को मांग के मुताबिक संबंधित विभागों में मुहैया करा दिया जाता है और इस काम में निजी एजेंसी की मदद ली जाती है। और बेल्ट्रॉन में अब मैन पावर अपॉइंटमेंट सिस्टम विकसित किया गया है जिसके माध्यम से सभी कर्मियों का लेखा जोखा रखने के साथ ही बहाली की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। और अब तक 6000 से ज़्यादा कर्मियों की जांच हुई है और विभागों में करीब 8.5 हज़ार ऑपरेटर समेत अन्य कर्मी बेल्ट्रॉन के स्तर से बहाल किए गए हैं और इन सभी का वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर देखिए मिली भगत से हुई धांधली। अब तक जाँच में यह पता चला है कि बेल्ट्रॉन के बदले परीक्षा समेत अन्य प्रक्रिया पूरी कर कर्मियों को बहाल करने के लिए नियुक्त की गई निजी एजेंसी और बेल्ट्रॉन कर्मियों की मिली भगत से ही इस तरह की धांधली हुई है और परीक्षा में फेल होने वाले कई लोगों को कुछ बिचौलिए पैसे लेकर सेटिंग के जरिए ऑपरेटर के तौर पर एंट्री करवा देते हैं। और कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि पहले कुछ शीर्ष अधिकारी अपने स्तर से ही किसी ऑपरेटर को अपने विभाग में बहाल कर लेते थे और इस तरह से ही बहाल हुए कर्मियों का कोई लेखा जोखा बेल्ट्रॉन के पास नहीं है। तो मतलब ये है कि कोई निजी एजेंसी और बेल्ट्रॉन के माध्यम से मिलके हुआ है, या फिर कोई विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहले से रख लिए हैं और बेल्ट्रॉन की तरफ से पैसा उसको दिला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है बयान राहुल सिंह जो कि प्रबंध डायरेक्टर हैं आपको बेल्ट्रॉन का, कि सभी कर्मियों का वेरिफिकेशन चल रहा है और सही पाए जाने वालों का ही वेतन भुगतान होगा, जो वेरीफाइड नहीं हो पाएंगे उनका वेतन भुगतान नहीं होगा और समय पर सभी कर्मियों का वेतन मिल सके इसके लिए पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो यही था फ्रेंड्स अपडेट। तो इसके रिगार्डिंग में और भी कोई आता है अपडेट जो कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है अब मार्च अप्रैल में बेल्ट्रॉन का, तो उसका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में जैसे ही कोई आता है अपडेट तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेके आएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग इसके रिगार्डिंग में क्या है माइंड में कॉमेंट जरूर कीजिए कि बेल्ट्रॉन क्या ऐसा कर सकता है, क्या बहाली वो दोनों तरीके से कर सकता है। तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।